बाबा साहेब का जो है बाबा साहेब का लोगों ने अपमान किया। हाँ ठीक है, तो उन्होंने क्या करा फिर, क्या करा, पढ़ाई छोड़ दी और एक तलवार निकाली पीछे गया उसको मारने के लिए, क्या करा? तो अपनी पढ़ाई करी, अपना वही काम करा। क्यों करी पढ़ाई? उन्हें तो वही जो काम करना था उन्होंने तो करा ही। पढ़ाई क्यों करी? अगर वो पढ़ाई नहीं करते और तलवार निकाल के उसका बदला ले चले जाते तो मैं संविधान बोलता हूँ। इसका मतलब ये है कि बुद्धं शरणं गच्छामि। भगवान ईश्वर नहीं है, भगवान और ईश्वर में बड़ा फर्क है। तो नमो का मतलब क्या होता है? नमन करना। और हम जानते हैं जब तक हम नम्र नहीं होंगे स्वभाव से, जब तक हम नम्र स्वभाव से तमीज से किसी से हम जो है कुछ नहीं मांगेंगे, तब तक जो उसके पास है कुछ भी है, गुण हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, तब तक वो हमें मिलने वाली नहीं है। इसीलिए हम जो है नमन करते हैं, नमन करते हैं अपने गुरुजनों को, नमन करते हैं उन लोगों को, महापुरुषों को जिनके पास बहुत भारी संख्या में बड़े बड़े गुण हैं, सद्गुण हैं, तो उनको प्राप्त करने के लिए हम करते हैं नमन करते हैं। तो क्या बोला हमने? नमो तस्, तस्य मतलब क्या होता है? उनको। और जैसे हम बोलते हैं कि नमो तस्य, मैं उनको नमन करता हूँ, तो ये फिर ये जानकारी होनी चाहिए कि मैं किसको नमन करता हूँ। ठीक है, अब हम नमन क्या किसको करते हैं? कोई शराब पी के यहाँ से जा रहा हो लड़खड़ाते हुए, उसको नमन करोगे क्या? नहीं। उसे क्या करते हो? उसे तुम बदतमीज बोलते हो, है ना, है नहीं, झड़काते हो गए। तो हम जो है नमन करते हैं हर उस आदमी को जिसके अंदर कुछ ना कुछ गुण हो। बैठ जाओ, हमारे लिए वो उपयोग। बैठ जाओ ना, ऐसे मत बाबा, ऐसे मत बैठ जाओ, कम चप्पल उतार गए। नमो तस्स भगवतो, भगवतो शब्द जो है जिसको तुम भगवान कहते हो, है नहीं। अब भगवान शब्द को समझना पड़ेगा, भगवान शब्द को जो है बुद्धि से समझ लेते हैं ईश्वर, तो भगवान ईश्वर नहीं है, भगवान और ईश्वर में बड़ा फर्क है। भगवान उसे कहते हैं जिसने भग रागो भग मोहो भग दोषो, यानी कि राग द्वेष मोह का जिसने भगन कर दिया हो। राग समझते क्या होता है? आसक्ति, जो चीज तुम्हें पसंद हो उनके प्रति तुम्हारी जो आसक्ति होती है, चाहत होती है कि और चाहिए और चाहिए, है नहीं। जो हमारे बच्चे होते हैं उनके प्रति हमारी आसक्ति होती है कि इनको कुछ हो ना जाए, तो क्या सकती, जरा सा कुछ हो जाए तो हम उनके पीछे पागल हो जाते हैं और बड़े अच्छे डॉक्टर को लेके जाएंगे, दवाखाने ले जाएंगे, सब कुछ करते हैं, इसे आसक्ति कहते हैं। आसक्ति के कारण मुझे ऐसा करते हैं, ठीक है। फिर होता है राग द्वेष, द्वेष क्या होता है? जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है, किसी ने हमें गाली दे दी तो हम उसके प्रति क्या होते हैं? द्वेष रचित होते हैं, उसे घना पाल देते हैं, फिर उसके खिलाफ हम कुछ ना कुछ सोचते हैं जैसा क्या करूँ मैं, क्या कर सकता हूँ, है ना, जिससे कि बहुत बड़े दुष्परिणाम हमारे जीवन में आते हैं। तो राग द्वेष और मोह जिसने इन तीनों चीजों को निकाल दिया अपने चित्त से जो है, तो उसको भगवान कहते हैं। अब बताओ अगर इस परिभाषा पे जो है किसी भी ईश्वर कहे जाने वाले व्यक्ति को अगर उसकी कसौटी तुम करोगे, उसका जो है परख करोगे, तो कोई खराब करता है, है? अगर उतरते हैं तो बाबा साहब करते हैं, कांशीराम उतरते हैं, कैसे करते हैं कि इन्होंने कभी भी जो है अपने जीवन में राग नहीं पाला, किसी से द्वेष नहीं करा, बाबा साहेब का लोगों ने अपमान किया, लेकिन बाबा साहेब जब पावरफुल हो गए, जब मिनिस्टर बन गए, लॉ मिनिस्टर बन गए, तो क्या उन लोगों से बदला लेने के लिए गए क्या? बताओ मुझे, जब उन्हें संविधान लिखने की कोई आज़ादी मिली कि संविधान लेना है इस देश का, तो क्या उन्होंने उसमें कुछ उन लोगों के खिलाफ कुछ लिखा कि भाई इन लोगों से मैं बदला लूंगा, इन लोगों ने क्या करना है? नहीं लिखा ना, क्यों? क्योंकि उनके भीतर द्वेष नहीं था, तो वो भगवान के समान हुए। तो असली भगवान कौन है? जो उसने अपने भीतर से राग द्वेष मोह को निकाल बाहर किया हो, और ऐसा सिर्फ जो है एक ही इंसान है, वो है भगवान। भगवान बुद्ध के पास जो है ये चीजें राग द्वेष मोह बिल्कुल भी जरा सी भी मात्रा में नहीं थी। और इसी तरह से जो है कांशीराम जी ने किसी चीज़ के प्रति आसक्ति नहीं की। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, पर अपने जो उन्होंने जो कसम खाई थी कि मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा, गए क्या घर वापस?
पिता की मृत्यु पे भी नहीं गए, यानी कि जो आसक्ति होती है, जो मोह होता है, राग होता है, वो छोड़ दिया उन्होंने, इसीलिए तो महान बने ना। तो हम सब जो है इन सब रोगों से ग्रस्त हैं, इसलिए हम महान नहीं बन पाते। तो हमने क्या बोला, नमो तस्स, मैं उनको नमन करता हूँ, किसको, भगवतो, जिसने राग द्वेष और मोह का भगन कर दिया हो। बातें तुम्हें बहुत वैसे तो लग रही सुना रही अच्छी लग रही है। तो नमो तस्स भगवतो अरहतो, अरहतो कहते हैं अरि माने दुश्मन, हतो मतलब हम तो, यानी कि नाश करना, उसको नष्ट कर देना, जिसने अपने दुश्मनों का नाश कर दिया हो, नष्ट कर दिया हो। अब कौन से दुश्मन, हम दुश्मन समझते हैं अपने से बाहर के लोगों को, जिसने हमारा कुछ बुरा किया हो हम उसे दुश्मन समझते हैं, है नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध ने किसको दुश्मन बोला है, हमारे भीतर जो विकार हैं, हमारे भीतर जो बुराइयां हैं, कौन सी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, ये सब हमारे चित्त की बुराइयां हैं, मैल है, इसको जिसने साफ कर दिया हो पूरी तरह से, और जिसका चित्त मन बिल्कुल निर्मल हो गया हो, उसे कहते अरहंत, अरहत। ठीक है, क्या बोला, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्य, जो समता में पूरी तरह से स्थित हो गया है। क्या होती है कि जब हमारे सामने कोई अच्छी चीज प्रदर्शित हो, जैसे कल गाना चला रखा था, म्यूजिक चला रखा था ना, जब हमने मीटिंग समाप्त करी तो उसके बाद म्यूजिक चलाया, क्यों चलाया म्यूजिक, क्योंकि वो हमें पसंद है, तो म्यूजिक चल लिया, चलो एक गाना सुन लिया, उसके बाद फिर भर गया नहीं, दूसरा सुनना है, घंटों घंटों उसके लगे आ रहे हैं, तो क्या है वो हमारे लिए नुकसानदायक चीज़ है। ऐसे ही जो है, जो चीज़ हमें पसंद नहीं है उसके हम घृणा करते हैं, तो इनके दोनों के बीच की स्थिति, जब अच्छा हो रहा हो तो उस पर हमारे को जो है कोई भी उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। प्रतिक्रिया कैसे होती है, जैसे कि किसी ने हमारी तारीफ कर दी तो क्या होता है, हम फूले नहीं समाते, नाचते गाते, अरे हम तो ऐसे हो गए, हम तो बहुत बढ़िया है, हमसे बढ़िया कोई नहीं है, है नहीं। तो उससे हमारे दिमाग में कष्ट होने लगता है, दिमाग में जो है गलती पैदा होती है। ऐसे ही जो है किसी ने हमारा अपमान कर दिया हो, फिर हमारे अंदर घृणा आती है, हमारे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। जो आदमी दोनों तरह की स्थिति से नहीं हिलता, ना तो उसकी प्रशंसा हो तब वो हिलता है, ना तो उसकी जो है जब क्या नाम है बेइज्जती करे तब वो हिलता है, दोनों में समान दे, किसी ने कुछ कह दिया ठीक है, अभी दीवार है इसको पत्थर मारो तो पड़े तो पत्थर मारती है दीवार, ऐसा ही होना चाहिए। कोई तुम्हें गाली दे, बहुत मुश्किल बात कह रहा हूँ मैं, है, लेकिन भगवान बुद्ध जो ऐसे थे, भगवान बुद्ध को जो है एक किसी भारद्वाज नाम के आदमी ने बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी। आज में सीमा है ये, हाँ मेरे वीडियो देख लेना सुन लेना चाहे, आज में सीमा है, हाँ है, 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 है। तुम देखो ऐसा है, जो आदमी चोरी करता है कब तक भाई मार रो, कब तक सुनो, पहले मेरी बात सुनो, बर्दाश्त मैं हमें बार बार ईंट मार रहे हैं, मार लो ये कोई लौट के थोड़ी ना मारी हमने, लौट के तो मारेगी ना, हाँ लौट के नहीं मारेगी, नहीं मारेगी ना, तो थोड़ा सुनोगे पहले, हाँ बात सुनोगे ना पहले, उसके बाद बात करें ना, सारी बात होती है। जो आदमी चोरी करता है, जिसको चोरी करने की आदत हो गई है, हाँ तो वो सबको क्या सोचता है कि ये भी चोरी करता है, ये भी चोरी करता है, चोरी भी करता होगा, वो किसी को सही नहीं समझता, क्यों, क्योंकि वो खुद चोरी करता है। जो आदमी जैसे आदत होती है उसके अंदर, वो वैसे सबको समझता है, ये सारे आदमी जो है ऐसे ही होंगे, यही कारण है जो आप बोल रहे हो ना कि क्या ऐसा हो सकता है। तो जो आदमी जो है बिल्कुल भी सहन ना कर सकता हो, और उसको जो है जरा सा भी सहन करने के लिए बोलो तो क्या करेगा, वो जो है ये कहेगा कि क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसे तुम्हारे से ज़्यादा सहन करने वाले लोग तो हैं कम से कम, मैंने सहन करें और देखें, मैं कह रहा हूँ कि सहन करने वाले लोग हैं या नहीं, बर्दाश्त करेंगे बहुत बड़ी, तुम गाली देते हो हूँ है ना, तो तुमने ऐसे लोग देखे जो गाली देते हैं, ऐसे लोग देखे जो गाली देते, ऐसे लोग देखे फिर वो कैसे, वो बर्दाश्त करके भी चले जाए, पिट के भी चले जाए, सब बात करके चले जाए, अरे आग ना रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, आंखों के सामने देखे, अच्छा ये बताओ, एक छोटी सी बात, बाबा साहेब का जो है, बाबा साहेब का लोगों ने अपमान किया, हाँ ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, फिर क्या करा, पढ़ाई छोड़ दी और एक तलवार निकाली पीछे गया उसको मारने के लिए, क्या करा,
तो अपनी पढ़ाई करी अपना वही काम क्यों करी पढ़ाई उन्हें तो वो जो काम करना था उन्होंने तो कराई पढ़ाई क्यों करी अगर वो पढ़ाई नहीं करते और तलवार निकाल के उसका बदला लेने चले जाते तो मैं संविधान मिलता इसका मतलब ये है कि जिसे बर्दाश्त करने की आदत है वो उसे बर्दाश्त करना ही करना है सबको करना चाहिए सबको ना है चलो हम लोग जो है जिस बात को कर रहे हैं तो हमने क्या बोली नमो तस्स भगवतो अरहतो अरहतो मतलब क्या हुआ अपने दुश्मन को अपने मन के भीतर बैठे दुश्मन को उसका जो अंत कर देना ठीक है जी सम्मा सम उदस्य समता में स्थित हो गए जो सम्यक हो गए उचित हो गए बिल्कुल जो है तो ऐसे बुद्ध को मैं नमन करता हूँ निदारी है ध्यान लगा सुन कोई बात तो अब हम जो है इस नमन को इस नमन का अर्थ समझ के सारे जो है समझ में आ गया है भगवतो समझ में आ गया भगवतो भगवान सब से बना भगवतो जिसने राग द्वेष और मोह का भगवन कर दिया हो भगवतो अरहतो जिसने अपने भीतर से जो है अपने मन के भीतर से सभी तरह के क्लेशों को शांत कर दिया हो तो बुराई को निकाल बाहर कर दिया हो तो वो अरहतो राग द्वेष और तीसरे का बता मोह मोह ठीक है बहुत जानते हो मोह जो है ना किसी को देख के अगर लड़ाई हो जाना किसी चीज़ के पीछे मतलब पड़ जाना कोई गाड़ी देखे तो बस हो गया मोहित अब तो गाड़ी चाहिए तो ये सब चीज़ें मोह वाले होते हैं ना तो चलो अब बोलेंगे इसको जोर जोर से ठीक है नींद तो नहीं आ रही किसी को नहीं ऐसे ऐसे पढ़ाई करते हुए नींद आती है नमो तस्स भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मासं सम्मासं बुद्धस्स बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मासं सम्मासं बुद्धस्स बुद्धस्स सबसे पहले तो सबसे हैं नमो तस्स याद हो गए फिर उसमें क्या है भगवतो अरहतो वो सब आ रहे हैं उस वक्त क्या है सम्मासम बुद्धस्य दो शब्दारे हैं दो शब्द आ गए यार कर लो तो अब एक बार मैं बोलता हूँ उसके बाद सबसे पूछूंगा सब बताएं ठीक है नमो तस्स नमो तस्स भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मासम सम्मासम बुद्धस्य बुद्धस्य बुद्धि याद होगी तुमसे उस बार तुम सुनाओ नमो तस्स इतनी आती तुम सुनाओ नमो तस्स तुम सुनाओ हेल्प करते रहे साथ वाले नमो तस्स बोलो अपना बोलो संस्कृत में पाली है बताइए की बना है चलो तो पहले पूरी तुम बताओ तो संस्कृत में बोलते कैसे बोलते हैं बुद्धम और पाली में कैसे बोलेंगे बुद्धंग अंग लगती है नहीं संस्कृत में माएगी और पाली में अंग आएगा तो बुद्धंग शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि ये याद हो गया इसको नमन दोहराए पांच बार है फिर वो करेंगे चलो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासं बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासं बुद्धस्स बोलो पांच बार नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासं बुद्धस्स 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 कोई कुछ कोई नमो नमो आज ही बात
वरदराज का वरदराज सुनिए कहानी उसकी वरदराज की अरे हाँ बस हो गई मौज। चलो अब शरण गमन करेंगे। क्या करेंगे? शरण गमन। किसी की हम शरण जाते हैं तभी हमें कुछ मिल सकता है, आश्रय भी मिलता है। शरण जाते हैं तो हम शरण गमन जाएंगे। किसके जाएंगे? बुद्ध की, धम्म की और संघ की। बुद्ध की, धम्म की और संघ की। और तीन बार शरण जाएंगे। क्या करेंगे? तीन बार पक्का करेंगे। तीन बार जाकर जो है पक्का करेंगे हम शरण गमन कर चुके हैं। तो पहले क्या बोलेंगे? बुद्धं शरणं गच्छामि। बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं नहीं बोलना, बुद्धं बुद्धं शरणं गच्छामि। बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बोलो बच्चों इधर आओ, उठता है उधर बैठे, इधर आओ बैठो। और तुम भी आओ इधर भाई, तुम काहे बैठो भाई, बड़े बूढ़े हो गए क्या? तुम्हारा नाम भी है गुरु। नहीं मेरे को नहीं है, मैं मेन आदमी ना। अरे ये कल नाम बताया उनके साथ में करते हैं क्या काम सा। अभी लिखवा के लेके जाना है, ठीक है? और कल सुबह यहाँ पे आ जाओगे सारे साढ़े पाँच मैं जो है 150 किलोमीटर से आया हूँ। नाप लो, मेरा घर जो है यहाँ से करेक्ट 150 किलोमीटर दूर है और बकरा छोड़ के आ रहा हूँ। 150 किलोमीटर कितना है? बैठे जन्म होंगे 150 किलोमीटर। जहाँ बकवास मत बोलो, झूठ बोलते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे गलती है, मैं गलती अपने लेता हूँ। कह रहे मतलब यह है कि मैं काम नाम छोड़ के आ रहा हूँ। आज भी डेट थी फरीदाबाद कोर्ट में, ठीक है? उसको मैंने किसी और को दिया तो नुकसान तो होता ही ना। तो नुकसान जब मैं कर रहा हूँ तो कुछ और जनरेट करने के लिए कर रहा हूँ, कुछ और उत्पन्न हो। अब मैं अपने गांव की हालत देखता हूँ, पहले तो मेरे गांव का नाम कोई जानता नहीं है। यहाँ में पैदा हुआ उसका कोई नाम ना जाने, दूसरे से कोई गौरव ना जुड़ा हुआ हो, तो वो तो मेरे लिए और हमारे सबके लिए अपमान वाली बात होगी। हैं? तो जो इस अपमान को समझता है वो काम करेगा, जो अपमान को नहीं समझता उसे क्या आस करनी? सब तो नहीं करेंगे भाई, सबसे तो आस नहीं करते ना हम। लेकिन जो ये समझता है कि हाँ भाई हमारे गांव का जो है सर जो है ऊंचा उठना चाहिए, तो सर ऊंचे उठाने के कई तरीके हैं। कोई बड़ी नौकरी मिल जाए तुम्हारे को, सभी लोग पहचान हो जाएगी, IAS बन जाओ, नाम हो जाएगा भाई इस गांव से एक IAS है, IPS बन जाओ, जज बन जाओ, जाओ, बन जाओ, नाम हो जाएगा। तो जब तुम नहीं बन रहे हो तो ऊपर सुनेंगे जितने भी घर है यहाँ पे सब पंडित झंडा लगा रहती है। पहले रेड बन गया ना वीडियो, तो फिर जो है कैमरा सामने आ रहा काम कर ले, पता आ रहा कैमरा तमन तुम याद कर सुबह। अब ऑन कर ले, बन रहा है ले, स्टार्ट हो रही है ले। ना बंदा सा आ रहा, गंदा सा ना बंदा आ रहा। हां साफ कर लेना उसको, दिखा तुम ऐसे करके दिखाओ, पीछे कैमरा साफ कर लेना। सही आ रहा है भाई, सही आ रहा है ले। यात्रा घूमूंगा आज मेरा। तो फिर अब हमने नमन सीख लिया है, अब आएंगे शरण गमन पे। वंदना करते हैं, तीन भाग होते हैं, पहला नमन, तिसरण और पंचशील, और तीनों ही बड़े काम के हैं। एक भी ऐसा नहीं छोड़ दें हम जाए। नमन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर वो श्रद्धा नहीं आएगी, याद तो श्रद्धा नहीं आएगी जो है हम कुछ ले नहीं पाएंगे, है नहीं? किसी से कुछ मांगते हैं तो प्यार से मांगते हैं, मोहब्बत से मांगते हैं, जो भी मिलती है। कोई हम जो है जोर दोस्ती से लेंगे, गाली गलौज करके देंगे तो वो दे रहा होगा तब भी मना कर देगा, मना कर देगा, है नहीं? तो इसीलिए श्रद्धा नहीं जरूरी है। तो फिर हम करेंगे शरण गमन। शरण गमन होता है किसकी शरण जाते हैं हम तीन चीजों की, बुद्ध धम्म संघ। सब याद हो गई? बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध कौन है बता दिया मैंने तुम्हें, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, जिसने अपने भीतर से सभी प्रकार के राग द्वेष और मोह को खत्म कर दिया है, अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त कर ली है, वो है भगवान, ठीक है? वो है बुद्ध। और जो पैदा हुआ वो बुद्ध नहीं था, जो पैदा हुए थे वो बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ से, है ना? तो ये भी फर्क है, सिद्धार्थ
मुसलमानों में, हिंदुओं में, ईसाइयों में, सब में क्या होते हैं, ईश्वर पैदा होते हैं, वो पैदा होते ईश्वर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ पर जो है काम करना पड़ता है। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने में 6 साल लगे थे, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा और 35 वर्ष की आयु में उनको जो है बुद्धत्व प्राप्त हुआ। और बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन उन्होंने परिश्रम किया, बहुत कठिन। काय का परिश्रम किया था? क्या परिश्रम किया था? अपने मन को कंट्रोल किया था, ये परिश्रम था। अपने मन को कंट्रोल करना परिश्रम का नाम है। हाँ जी, अपने मन को नियंत्रित करना कठिन काम है कि नहीं है? हम में से कोई है जो करता हो मन को कंट्रोल? है? बिल्कुल नहीं करते। मन जो कर रहा है वही करते हैं बस। मन कर रहा है आलस करना, आलस कर रहे हैं। मन कर रहा है खाना खाना, खाना खा रहे हैं। मन कर रहा है गाना सुनना, गाना जो मन कर रहा है वही कर रहे हैं। और जो मन कर रहा है वही करे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जिंदगी हमारी धेंदू बनती जा रही है। तो इसको जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, एकदम तो कर नहीं पाओगे। अब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता, बिल्कुल पढ़ने की आदत ही नहीं है। अब मैंने कोई ऐसी, मैं मीटिंग कोई दे रहा था, मैं वहाँ मीटिंग चला गया और मेरे को एकदम जोश आ गया। अब तो मैं पढ़ूंगा, IAS बनूंगा मैं, है? अब तो मैं जज बनूंगा मैं। मन में बात आ गई सुन के जो है, अब मैं घर पे आया, एकदम से घोड़े में बैठ पढ़ लूंगा मैं, घंटा घंटा जो है नहीं पढ़ पाऊंगा। अगर मेरे को बात समझ में आ गई तो मुझे संकल्प लेना चाहिए, अब पढ़ना शुरू करूंगा। तो क्या करना पड़ेगा भाई, 10 मिनट पढ़ू पहले, मैं 10 मिनट ध्यान से पढ़ लूँ मैं, उसके बाद उसको धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। और धीरे धीरे बढ़ा के जो है 4 घंटा 5 घंटा पे आ जाऊंगा, अपने आप से जज और कलेक्टर बन जाऊंगा। लेकिन शुरू करना पड़ेगा, मन को नियंत्रित करना शुरू करना पड़ेगा। तो हमने मेहनत करनी पड़ेगी। और सुबह सुबह तुम 5:30 बजे आओगे तो बताऊंगा तुम मेहनत कैसे होती है। आधा घंटा बैठेंगे उपासना में आँख बंद करके, आँख बंद नहीं हो पाती है आधा घंटे तो होती है नहीं हो पाती है। तो सबसे पहला, हाँ सबसे पहला काम आँख बंद करने का, कि हम आँख नहीं खोलेंगे, पक्का संकल्प लेंगे। ये काम सबसे आसान है, सबसे आसान काम यही है विपस्सना में, कि आँख नहीं खोलेंगे। ये काम कर सकते हैं, एक दो बार खुल जाएगी बीच में तो कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा कि आँख खुलेगी। फिर जोर लगा के बंद नहीं करेंगे आँख को, हाँ जोर लगा के आँख को बंद नहीं करेंगे, है नहीं? तो जोर लगा के आँख बंद करते हैं ऐसे, बंद हो जा, हमारा मन नहीं कर रहा ना, क्योंकि मन कर नहीं रहा आँख बंद करने का और हम जोर लगा रहे हैं, तो वो सहजता से अपने आप से बंद होनी चाहिए ऐसे पूजे। फिर उसके बाद ध्यान लगाएंगे सांसों पे, कि सांस आ रही है जा रही है, बस वहाँ पे ध्यान लगाएंगे नाक के ऊपर, कि सांस कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है। और तुम देखोगे कि 10 सेकंड तक, मैं क्या टाइम दे रहा हूँ, 10 सेकंड शुरू शुरू में जिसने कभी ध्यान लगाया ही नहीं 10 सेकंड भी सांसों को देख नहीं सकता। इतना मुश्किल काम बुद्ध ने करके दिखाया। और बुद्ध का ध्यान करता था घंटों घंटों, दिन दिन सालों साल तक बैठे रहेंगे और ध्यान वहीं रहेगा सांसों पर, ध्यान लगा दिया तब जाके उसे कहते हैं कि हाँ इसने अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त की। दुश्मन हमारे बाहर नहीं है, दुश्मन हमारे भीतर है। हमारे भीतर दुश्मन कैसे है, किसी ने हमें गाली दी तो हमने सोच लिया कि वो हमारा दुश्मन है। हमारा दुश्मन कब बनता है, मुझे जब हम उस पर रिएक्ट करते हैं। अगर हम कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे गाली देने पर तो कोई दुश्मन नहीं है। हमने उसको तत्क्षण माफ़ कर दिया, माफ़ कर नहीं पाओगे तो मुझे पता है अभी नहीं कर पाओगे। अरे मैं सिर्फ बातें बता रहा हूँ अभी, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जाए बिल्कुल जाके जो है कहीं किसी के चरणों में जाके लेट जाओ जी हमें माफ, ऐसा नहीं करना है। अपना मान सम्मान को भी संभाल रखना है। बुद्ध को जो है मैं बता रहा था कि कृषि भारद्वाज नाम के एक आदमी ने जो है बहुत गालियाँ दी, बहुत गालियाँ दी, और बुद्ध जो है ऐसे शांत और चेहरे पर ऐसी मुस्कान है, वैसी मुस्कान बनी हुई थी। तो वो बहुत देर गाली देने के बाद थक गया, उसके बाद बोला रे सिरमुंडे मैं तो इतनी गालियाँ दे रहा हूँ तेरे को कुछ हो नहीं रहा। तो बुद्ध बोलते हैं कि भाई ये बताओ मेरे को कि अगर मैं तुम्हें कोई उपहार दूं और तुम उसको लेने से इनकार कर दो तो वो उपहार किसके पास रहेगा। तो बोला है तेरे पास ही रहेगा, किस पास रहेगा, तो बस मैं तुम्हारी गालियां ली नहीं। कितना सरल उपाय है, बहुत सरल उपाय है कि कोई गाली दे रहा है, कोई गाली दे रहा होता और मुस्कुरा जाओ फिर देखो क्या होगा। वो होगा ना, लेकिन होता क्या है, वो गाली दे रहा है और हम अंदर से कुड़ते हैं गाली दे रहे हैं। फिर अगर छोटा है तो थप्पड़ मार दिया, हमसे बड़ा है तो कुड़ के रह गए, और ज़्यादा पहलवान टाइप है तो बस थोड़ा सा करके और निकल लिए, और मतलब अंदर तो हो गए ना फीलिंग शुरू जाए। और जो अंदर जो फीलिंग शुरू हो रही है वो जो है तुम्हें दिनों दिन परेशान करेगी, जब तक वो फीलिंग अंदर से निकलेगी नहीं मन शांत नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम जो है
तीन शरण जाएंगे, बुद्ध की, धम्म की और संघ की। बुद्ध का मतलब तो बता दिया मैंने, ये बुद्ध कितनी बड़ी चीज है, कोई मामूली चीज नहीं है। और धम्म, धम्म क्या है? धम्म है रास्ता, जो मार्ग दुख से मुक्त कराने के लिए बुद्ध ने खोजा, जो मार्ग बुद्ध ने खोजा, जिसको कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग, उसको बाद बताएंगे मुझे। फिलहाल सो आराम, शांति, शांति आराम। तो धम्म क्या हुआ? रास्ता, मार्ग। और फिर क्या है? संघ। संघ क्या हुआ? जो भिक्खु संघ, जिसकी वजह से हम आज यहाँ बैठ के जो है उन बातों को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे। तो उस भिक्खु संघ ने जो है बड़ी मेहनत से जो है खुद सीखा, फिर आगे बढ़ाया। जैसे आज मैं खुद सीख आया हूँ, फिर तुम लोग पीछे चर्चा कर रहा हूँ। तो ऐसे ही संघ की शरण में भी जाना होता है। तो तीन शरण का मन लगाएंगे और हम जब बोलेंगे, अब जो है तीन बार बोलेंगे, अब जो है ना तीन शरण जाते हैं तीन बार। तो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। फिर द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पि संघं शरणं गच्छामि। फिर तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि। बस ये शरण गमन कंप्लीट। ये सबको याद हो गया होगा? सबको याद हो गया? तो चलो फिर हम जय बोलते हैं, मेरे पीछे बोलना ठीक है। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं नहीं शरणं, नहीं बुद्धं शरणं, ठीक है। बुद्धं शरणं, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि, ये सबसे आसान है। इसमें थोड़ा सा थोड़ा ध्यान दे देते, बस थोड़ा सा ध्यान लगाओगे आराम से आ जाएगी, सबसे आसान यही है। द्वितीयं पि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पि शरणं गच्छामि, द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं तो पता ही नहीं है बुद्धं कर रहे हैं या संघं कर रहे हैं। ये ध्यान रखो किस शरण जा रहे हैं, पहली बार में किसी शरण जा रहे हैं, दूसरी बार में क्या आ रहे हैं। चलो फिर से बोलेंगे शुरू से। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं
शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयांपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयांपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयांपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयांपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयांपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयांपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणीय सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वीरमणीय सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि हमें यही तो याद ना कोई बात ऐसे कुछ भी किसी को याद नहीं होने वाला है मैं आपके लिए बता रहा हूँ एक श्लोक के लिए एक दिन याद किया जाए तभी कितने बार याद होंगे ना हमें यहाँ तो आप ही चलो आज के लिए तुम्हें याद होगा थोड़ा बहुत मैं सुनाओ तुम रोजा भैया पहले तुम सुनाओ मैं तो अभी आया हूँ नहीं पहले गाना सुना लो भाई मेरे आपके लिए याद हो रहे एक श्लोक के लिए एक दिन याद करोगे तभी होगा एक ही दिन में सारे नहीं हो सकते ये बात है और रोज वंदना करेंगे ना अगर ऐसे अच्छा ये बताओ गांव में ऐसा कौन सा आदमी है जिसकी सब बात मानते हैं जिसकी सब बात मानते हैं जिसकी बात किसी ने कह दी तो फिर कोई टाले ना कोई है ना आदमी सब अपने आप तो फिर कैसे समस्या हल होगी तुम किसी की बात मानते नहीं हो और खुद सही कुछ करते नहीं हो समस्या गंभीर है किसी की जब तुम करते नहीं हो और सबकी बेइज्जती करना तुम अच्छे जानते हो है ना तो फिर कैसे बात बनेगी किसी एक आदमी को चुन लो और कमिट हो जाओ कि हम इसकी बात मानेंगे किस मामले में इस बात के मामले में कि हर रोज जो है शाम को हम यहाँ इकट्ठा होंगे इस टाइम तो तुम बताओ भाई तो ना तो वो घर तो जबरदस्ती कर रहे हो कोई अपने बाप की बात ना मानता तो और नहीं तो मानता जबरदस्ती कर रहे हो तो वर्तमान में तुम ना मान बाप की तो बात शांत रहो बीच में की बात है मैं तो फिर ना मानूं या मान ना मानूं अरे भाई मुझे ये बात बताओ अरे छोड़ो ना एक एक आदमी को जो है किसी ने अच्छी सलाह दी कि भाई दारू मत पियो है ना अच्छी सलाह है ना और उसकी सलाह नहीं मानी बुरा किसका सलाह देने वाले का सलाह ना मानने वाले का सीधी सी बात है काय को मतलब किसी पीछे पड़ रहे हो पीछे किसी के नहीं पड़ना है हमें लेकिन अच्छी बात जरूर करनी है मैं किसी पीछे पड़ रहा हूँ क्या मैं जबरदस्ती किसी ने करा ना मैं सिर्फ यहाँ पे आया हूँ जिसको अच्छी लगेगी बात वो मान लेगा जिसको नहीं लगेगी वो नहीं मानेगा जिसको लगेगा कि हाँ इस दवाई को खाने से मेरा कुछ भला जाएगा दवाई खा लेगा नहीं तो कोई जबरदस्ती होना है डॉक्टर को जाकर जबरदस्ती में खिला दिया दवाई जो है दवाई जाके घर पे खुद ही पानी लेके और खुद ही खानी पड़ती है डॉक्टर दवाई दे सकता है बस ठीक है तो बाबा साहब ने दवाई दी थी और दवाई हमने खाई नहीं नुकसान आज हमारे सामने है नुकसान हमारे सामने है पढ़ लिख नहीं रहे हो नौकरी नहीं मिल रही है और गरीब में जीवन है और जो जमीन ज्यादा मिली हुई है उसको बेच बेच के जो है हमने लंपट लगा दी ये हमारे रिजल्ट सामने है क्योंकि बाबा साहब की बात नहीं मानी ऐसा क्या नहीं जी
तो एक आदमी ऐसा सुनो अपने बीच में से, अब तक नहीं चुना कोई बात नहीं, आज चुनो जो सबकी मतलब सब जो है उसकी बात मान ले इस मामले में, खाली सब मामले में नहीं कह रहा मैं, इस मामले में कि भाई हमें जो है धम के कार्य करने हैं, वंदना करने हैं रोज और यहाँ इकट्ठा करें तो हमें एक बात पे इकट्ठा हो जाना, बताओ किसको नियुक्त करा जाए? दोनों ठीक है, दोनों ठीक है ना? हाँ तो आप सब लोग जो है आप तो आप सब लोग जो है इन दोनों का थोड़ा बहुत तो कहना मानोगे? हाँ बिल्कुल मानेंगे, जब कह रहे तो बिल्कुल मानोगे। आप लोग मेरे को गाड़ कर रहे हैं तो मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ठीक है। जब मेरे को कर रहे हैं खड़ा तो फिर वंदना के लिए जो है अब रोज वंदना कराओगे भाई आप लोग? हाँ तब तक रोज रोज अनवरत ज्योता जियो ज्योता अमित है अमित और प्रीति कहते हैं हमने तो चार तारीख तक वो चार तारीख तक काम पे जाएंगे चार तारीख तक तो करवा लेंगे चार तारीख तो मैं ही हूँ काम जा रहा हूँ यहाँ तो बच्चे कहेंगे समझ गए नवाज पाटिल। अरे इतनी सहूलत मिली है कि हमें मुसलमान तरह बांध तो नहीं दिया ना कि जहाँ खड़ा है वहीं पे शुरुआत, ऐसा तो नहीं है ना मार्ग में। अरे सुबह और शाम को करनी है ऐसा बात वाली मान जाए जो समाज को तोड़ती है। ये दोनों बच्चे पढ़े लिखे हैं इनकी बात माननी पड़ेगी, माननी चाहिए, सब मान लेंगे, सब मान लोगे, सब मानेंगे, सब माननी चाहिए है नहीं। तुम तो ये रहो गांव में जाते बदले, तुम्हें हर रोज शाम को जाए एक टाइम बताओ कौन सा टाइम रखे, टाइम बताओ बिल्कुल निश्चित टाइम, सात बजे टाइम ठीक है, शाम को रख लो इतने घंटा अपना काम अंदर देख लो ना, शाम को सात बजे से मेरी बात सुनो, शाम को जो है खाना खाने के बाद फिर टाइम कर सकता है बढ़िया, जो खाना खाने के बाद जो तुम लोग जो है यहाँ वहाँ गप मारते फिरते हो ना जो तो उल्टी सीधी बातें होती है वो बच जाएंगे यहाँ के जो है। शाम को क्या बजे को तुम? सात बजे, शाम को सात बजे ठीक है, खाना खाके आराम से और यहाँ बैठ जाओ, सात बजे दिन रेवे कम से कम है, आठ बजे, आठ बजे ठीक है, सात बजे छह बजे, अरे छह बजे ख्याल के छह बजे शाम की बोल रहा हूँ, आठ बजे ठीक है, आठ बजे ठीक है जी, सब बोलो आठ बजे ठीक है, हाँ ठीक है चलो ठीक है व्यपित है ठीक है, आठ बजे जो है शाम की नाइट की, सुबह भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, सुबह कोई नोट क्या सुबह को एक बार ऐसा है लेकिन शाम को एक आध दो बजे वैसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुम सुबह को जो है एक बार आओगे कल आओगे मनोबल टूटेगा, चिपक जाएगा मनोबल टूटेगा। अच्छा अब ये जो यहाँ पे जो ये फर्श ऐसा हो रहा है ये वाला जो है सारे में फर्श ना पड़ जाए कैसा रहेगा? तो उसमें जो है क्या नाम है जो प्रधान जी उनसे बोल दो, तो क्या घर सरकारी थोड़ी ना है, प्राइवेट है भैया, प्राइवेट है तो अपने तो मिलकर कर ले बोल ले इसका ऐसे नहीं, पर मैं ऐसे ना कर पाऊंगा, वो ना करने देंगे ऐसे कोई करने ना देंगे एक रुपया नहीं, उन्हीं को जो है ऐसा है उन्हीं को वो दो ना करने डोनेशन जो है करने के लिए जगह करने देंगे ये ना करने देंगे, चलो नहीं कर रहे कोई बात ऐसी बात, जब इनने ये रोड़ा से ये कूटने के लिए मना कर दिया इन्होंने, ये रोड़ा से ये कूटने के लिए वो मना कर दिया, पाँच छह जन यूज तो ये हमेशा से मतलब वैसे होती आई है, हर कोई यूज करता है इसको, हर बैठता रहा मतलब बैठने के लिए बैठा सिस्टम कर दो, हाँ तो बहुत बढ़िया यूज हो रहा है मतलब, इतना काम तो कर ही रहे हैं, चलो ठीक है। तो अमित हर रोज जो है वंदना चार्ट में मिल जाएगा उसका जो है पढ़ के ही बोलनी है और उस दिन तुम्हें बांट देंगे तो उस दिन जो है सारे पढ़ना जानते ही हो और तुम्हें थोड़ी सी रिदम की प्रैक्टिस कराई दी है मैंने है ना, तो पढ़ पढ़ के बोलते रहना भाई उस दिन जो है, और उम्मीद है क्या उस दिन तक याद भी हो जाए तो बढ़िया है। रोज शाम को जो है आठ बजे यहाँ पे बैठना है और वंदना याद करनी है ठीक है। तो आज हम एक श्लोक याद करें फिर बारा तिपाता वाला, हाँ उसे दोहरा लेते हैं आज भी ठीक है। चलो पाणातिपाता वेरमणि